शारदा निटिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, आइए आज ये क्रोशिए का बेहद ही आसान एक डिज़ाइन, जिनको सिर्फ डबल क्रोशिया बनाना आता है या जिसको हम चावल कहते हैं वो बनाना आता है, तो वो आसानी से इससे मफलर और शॉल बना सकते हैं। फटाफट बनने वाला ये डिज़ाइन है और खूब ही सुंदर है, अच्छा है, कम ऊन में बन जाता है। तो आइए देखते हैं ये कैसे बना है। ये जो मफलर हमने बनाया है इसकी चौड़ाई लगभग 9.5 इंच है, तो 9.5-10 इंच आप रख सकते हैं, या तो आपकी जो चॉइस है आप वो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हल्का है तो थोड़ा सा 9-10 इंच होने से ही अच्छा रहता है। और अगर आप स्टोल बनाना चाहते हैं तो 20-22 इंच चौड़ाई आप उसकी रख सकते हैं, और लंबाई 62 इंच से 70 इंच तक रखी जा सकती है। तो अब हम डिज़ाइन शुरू करते हैं। जितना भी हमको रखना है चौड़ाई, उस हिसाब से हम डबल ऊन लेकर और नीचे जो शुरुआत की जो चेन है उसको हम डबल ऊन से बनाएंगे। ये हमने डबल ऊन ली है और हम थोड़ी सी ज़्यादा ऊन ले लेंगे, और जितना हमको बनाना है हम उससे थोड़ी ज़्यादा चेन बना लेंगे, क्योंकि डिज़ाइन हम एक बार सेट कर देंगे तो जो एक्स्ट्रा चेन होगी उसको हम खोल सकते हैं। तो ये थोड़ा ढीले हाथ से हमको चेन बनानी है। क्रोशिया आप एडजस्ट कर सकते हैं, थोड़ा मोटा क्रोशिया ले लीजिए, अगर पतले में आप ढीला नहीं बुन पाते हैं तो। लेकिन ये चेन अगर ठीक से बनती है तो ऊपर झोल नहीं आता है, तो इस तरह से हम चेन बनाते हुए चले जाएंगे लूज लूज। अभी हम थोड़ा छोटा सैंपल ही बनाएंगे, तो उसके बाद हम ये जो हमारी दूसरी ऊन है इसको हम छोड़ देंगे। जो दूसरी ऊन है उसको छोड़ दिया, और एक अकेली ऊन लेकर हम उसमें 3 चेन बना लेंगे। ये 3 चेन बनाने के बाद इसी जगह में हम एक बार एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन लेंगे और फिर से यहाँ पर एक डबल क्रोशिया बना रहे हैं। इसके बाद एक चेन लेकर और नीचे की एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हमने ये डबल क्रोशिया या एक चावल बनाया। फिर उसके बाद एक चेन ली और नीचे से 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में फिर हमने एक डबल क्रोशिया या एक चावल बनाया, फिर 2 चेन बनाई और यहीं पर हमने एक और डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद फिर से एक चेन बनाई और नीचे की एक चेन छोड़कर फिर हम एक ये डबल क्रोशिया डीसी चावल बना रहे हैं। फिर एक चेन बनाई हमने और नीचे की 2 चेन छोड़कर, और उसके बाद हमने फिर ये एक डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन ली और इसी जगह में हमने एक और डबल क्रोशिया बनाया। तो ये तो हमारा साइड का फूल है। उसके बाद इसको हम कहेंगे अंग्रेजी का हमने आई का अक्षर बनाया है और ये अंग्रेजी का वी का अक्षर है। तो हम एक आई का अक्षर बना रहे हैं और एक वी का अक्षर बना रहे हैं। इस तरह से हम बनाते हुए एक चेन, नीचे की एक चेन छोड़कर तो एक ये डबल क्रोशिया, फिर एक और चेन और नीचे की 2 चेन छोड़कर हम वी बनाएंगे। वी के बीच में हमको 2 चेन लेनी है जो ये वी बना रहे हैं। और हमको ये ख्याल रखना है फिर भी कि हम देखते रहेंगे, अगर झोल आ रहा है तो हम थोड़ा एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमने वी बनाया, फिर से एक चेन ली और हमने ये एक अकेला वाला बनाया। तो जैसे अब हम यहाँ पर हमारा शुरुआत में आई है, तो हम यहाँ अंत में भी हम दोनों साइड आई आई रख लेते हैं और एक चेन बनाकर ये अब हम साइड वाला जो फूल है हमारा, जिसमें 2 डबल क्रोशिया, 1 चेन और एक ही जगह से 2 और डबल क्रोशिया, इस तरह से ये हमने सैंपल के लिए इतना सा ही सेट किया है। अब जैसे ये हमारी एक्स्ट्रा चेन बन गई हैं, तो इनको हम बेहद ही आसानी से उधेड़ सकते हैं।
तो कोई परेशानी की बात नहीं है, हमको चेन गिनने में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी बनाएं, तो हम ऐसे आसानी से उसको उधेड़ देते हैं। ये हम लास्ट में आए हैं, लास्ट में आके इसको अब हम ऐसे खींच देंगे बस। तो ये हमारा यहाँ लॉक लग गया इसमें, और इस ऊन को हम झालर में यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने दिखाया आपको। अब ये हमारी पहली लाइन हो गई, ये टू रो रिपीट पैटर्न कह सकते हैं, दो लाइन में दोहराने वाला डिज़ाइन कह सकते हैं। अगली लाइन को हम देखते हैं, साइड में हमने दो चेन बनाई और अब हम मुड़ गए। उसके बाद ये जो गैप है हमारा एक चेन का, यहाँ पर हमको फिर से फूल के ऊपर हमें फूल बनाना है। दो डबल क्रोशिया लिए, एक चेन ली और दो डबल क्रोशिया ले लिए, तो ये हमारा फूल के ऊपर फिर से फूल बन गया। अब हमने एक चेन ली और ये जो हमारा आई है, इस आई के ऊपर अब हमको वी अक्षर बनाना है। एक डबल क्रोशिया लिया, दो चेन ली और एक और डबल क्रोशिया लिया। अगर आपका हाथ बहुत ढीला है तो आप यहाँ भी एक चेन ले सकते हैं, दो चेन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमने एक चेन ली और ये जो वी है हमारा, इस वी के अंदर अब हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे जो हमारा आई के अक्षर जैसा हो गया। तो हम कहेंगे एक चेन ली कि हमने आई के ऊपर वी बनाया, दो चेन, वी में जो है बीच में दो चेन है और एक चेन, और वी के ऊपर हम आई बना रहे हैं। इस तरह से ये जो दूसरी लाइन है उसमें इस डिज़ाइन को हम दोहरा रहे हैं। बेहद ही आसान है, बस इसको थोड़ा सा पलटना है, डिज़ाइन तो एक ही लाइन का है ये। तो इस तरह से हम ये आखिर में आए हैं और यहाँ पर आकर हमने ये फिर से इसका वी का आई के ऊपर वी बनाया, एक चेन ली लास्ट में और ये फूल के ऊपर हम फूल बना रहे हैं, दो डबल क्रोशिया, एक चेन और दो डबल क्रोशिया। इसके बाद हम एक बार फिर से देख लेते हैं, दो चेन लेकर हम मुड़े, फूल के ऊपर हमने फूल बनाया, फिर अब यहां पर ये हमारा वी है तो वी के ऊपर हमें एक चेन ले रहे हैं और वी के ऊपर हमको एक आई बनाना है। तो बेहद ही आसान ये डिज़ाइन है। आप इसकी शॉल बना सकते हैं, मफलर बना सकते हैं, और अगर आप किसी पुरानी साड़ी को फाड़कर बनाना चाहते हैं तो पायदान जैसा भी बना सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है, आशा है आपको अच्छा लगा होगा। शारदा निटिंग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आप सबके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।